और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम योगी के निर्देश पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी शहीद पथ पर हुए सड़क हादसे के घायलों से की मुलाकात। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने जाना हाल। डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने भी स्वास्थ्य की जानकारी ली। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी पहुंचे हैं शहीद पथ पर हुए हादसे में घायल बच्चों से मिलने के लिए। तो आपको बता दें, आज सुबह सुबह शहीद पथ पर बड़ा हादसा हो गया, स्कूली वैन जो है वो पलट गई, उसमें 6 बच्चे जो है वो घायल हो गए थे, उसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब सीएम योगी के निर्देश पर वहां पर पहुंचे हैं कई अधिकारी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद भी हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं घायलों का। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के निर्देश पर पहुंचे हैं घायलों का हाल जानने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद के साथ साथ डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। आज प्रातः 7:30 बजे थाना सुशांतगंज सिटी में शहीद पथ पर प्लासियो माल के पास एक बच्चों को ले जा रही वैन जो गोमती नगर सीएमएस स्कूल जा रही थी, ये दुर्घटनाग्रस्त हुई। दुर्घटना का कारण था उसका टायर फट गया। टायर फटने से गाड़ी जो है डिवाइडर से टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 12 बच्चे सवार थे, 12 में 6 घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा 2 मेदांता अस्पताल में है। मेदांता में एक बच्ची है जिसकी 9 वर्ष उम्र है, जो क्रिटिकल पोजीशन में है, जो आईसीयू में है, और शेष बच्चे को सामान चोट लगी है। शेष जो 6 बच्चे हैं वो घर चले गए हैं, और इसके जो ड्राइवर है इसको कब्जे में ले लिया गया है। थाना सुशांत गोल्ड सिटी में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यातायात और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो इस हादसे पर इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के थाना सुशांत गोल्ड सिटी अंतर्गत शहीद पथ पर यह पूरी घटना हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं गोमती नगर विस्तार की जो सीएमएस स्कूल है वहां की वैन है जिसका टायर अचानक से फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गई और गाड़ी पलट गई, जिसमें करीब 12 बच्चे सवार थे। उसमें से 6 बच्चों को चोटें आई हैं, जिसमें से 2 ज़्यादा गंभीर थे, उनको मेदांता हॉस्पिटल में भेजा गया है इलाज के लिए, जिसमें से एक 9 वर्ष की बच्ची ज़्यादा क्रिटिकल है जिसको आईसीयू में रखा गया है। वहीं 4 बच्चों को लोहिया अस्पताल भेजा गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ इसी की चपेट में एक थार गाड़ी भी आई है जो कि जयपुरिया स्कूल के बच्चे उसमें भी सवार थे, हालांकि उस गाड़ी के बच्चे सभी सुरक्षित हैं। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी है और बच्चों का इलाज चल रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। लखनऊ से